गुजरात में सियासी सरगर्मी उफान पर है और विकास के नारे को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में किस तरीके से कांग्रेस पर वार किया है, देखिए। जब माधव सिंह भाई सोलंकी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अखबार में पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपी थी, वो तस्वीर मुझे आज भी याद है। जामनगर में एक पानी की टंकी का उद्घाटन करने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री माधव सिंह भाई आए थे। एक पानी की टंकी के उद्घाटन करके पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट द्वारा पहले पेज पर तस्वीर छपना उनके लिए विकास की सोचने की सीमा भी इतनी मर्यादित थी। पीएम मोदी जिन माधव सिंह सोलंकी का जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से चार बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टंकी वाले वाक्य को याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने आज के विकास की तस्वीर दिखाई। आपको बता दें, आज पीएम मोदी ने ओक से बेट द्वारिका तक सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास किया। 962 करोड़ की लागत से बनेगा 3.92 किलोमीटर का ब्रिज। पीएम मोदी ने पोरबंदर राजमार्ग की भी आधारशिला रखी। पीएम को अपने विकास के काम इसलिए गिनाने पड़े क्योंकि कुछ दिन पहले ही गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था, विकास पागल हो गया है। विकास को गुजरात में क्या हुआ, इन लोगों ने इतने झूठ बोले कि पहली बार विकास पागल हो गया। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस ने विकास को लेकर बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। अब इस जंग में मोदी के कूदने के बाद रोमांच और बढ़ने वाला है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।